हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रंजना। आज बनाते हैं अपसाइड डाउन पाइनएप्पल केक। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पाइनएप्पल के रिच फ्लेवर वाला ये केक होता है। विदाउट आइसिंग का ये केक सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एकदम प्रूवन ये रेसिपी है, तो कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए आइए मिलके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर को ग्रीस कर लेंगे। तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल हम इसमें लेंगे जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो, और इसे अच्छे से हम सब तरफ से ग्रीस कर लेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये केक बना रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हम बटर पेपर यूज़ करें, और इसमें भी हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। जनरली इस वाले केक में बटर पेपर यूज़ नहीं होता है। अब हम एक कैरेमल टाइप का शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 टीस्पून नॉर्मल बटर, बाजार वाला, और इसमें मैं 1 टेबलस्पून वाइट वाली कैस्टर शुगर ऐड कर रही हूँ। जनरली इसमें ब्राउन शुगर यूज़ होती है, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। आप नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड किया है। बबल्स आ गए हैं, सिरप बन गया है, ठंडा होने हम रख देंगे। केक के लिए 1 कप मैदा, 200 ml मिल्क मेड, ये 3 टेबल स्पून ऑयल, ये वनीला एसेंस, ये 1 चम्मच हमारे पास बेकिंग पाउडर, और ये 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो हम मैदा को और ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को अच्छे से छान लेंगे। मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखेंगे, एकदम लेवलिंग करते हुए लेंगे हम हर चीज़ को। छानने से ये बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाता है और एयरी हो जाता है। तो अब हम इसमें मिल्क मेड ऐड करेंगे। ये 200 ml मिल्क मेड मतलब 1 कप के करीब होता है। ये मैंने 3 टेबल स्पून इसमें वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है। अब एक बीटर की हेल्प से एकदम लो स्पीड पर मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आप इसे स्पैचुला से और नॉर्मल जो हमारा हाथ वाला बीटर होता है उससे भी मिक्स कर सकते हैं। और अब थोड़ा दूध लेते हुए लगभग 1/4 कप मैं इसको और मिक्स कर लूँगी। तो हमें एक पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए होता है, तो दूध को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। ये देखिए, बहुत अच्छा एकदम बैटर हमारा बनके रेडी हुआ है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए होता है, एकदम जो ये दिख रहा है। और अब जो हमने कंटेनर तैयार किया था उसमें ये शुगर सिरप डालेंगे बेस में सबसे पहले, और शुगर सिरप को स्प्रेड करते हुए, ये मेरे पास फ्रेश पाइनएप्पल है। आप कैन वाला पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये मैं चेरी यूज़ कर रही हूँ, जो कि फ्रोज़न वाली चेरीज़ हैं। और पाइनएप्पल को अच्छे से अरेंज करते हुए एक अच्छा सा डिज़ाइन बना लेंगे अपनी पसंद का। और अब जो हमने ये केक का बैटर बनाया है इसको सब तरफ इसमें अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसको टैप कर लेंगे ताकि बबल्स निकल जाए। 8 से 10 बार टैप करते हैं कम से कम। और ये मैंने प्री हीट ओवन कर लिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 मिनट अब मैं इसको रख दूंगी। प्री हीट हमें 10 मिनट्स के लिए करना है ओवन को पहले। और ये हमारा केक बनके तैयार है। लगभग 40 मिनट हो गए हैं। हर ओवन अलग अलग होता है तो टाइम थोड़ा 1-2 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो ये बनके तैयार है हमारा केक। इसको हम ठंडा कर लेंगे 1 से 1.5 घंटा, और एकदम ठंडा होने के बाद ही हमें इसे डीमोल्ड करना है, नहीं तो ये टूट जाता है। और ये देखिए, ठंडा हो गया केक, अब हम इसे डीमोल्ड कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर केक बनके निकला है। बटर पेपर को हम हटा लेंगे धीरे से। तो बिना आइसिंग का ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। पाइनएप्पल का रिच फ्लेवर होता है इसमें। अगर हम कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि हमें मेज़रमेंट एकदम सही रखना है, हर चीज़ को लेवलिंग करके लेना है, हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ओवन प्री हीट ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी? आगे और भी ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ फिर मिलते हैं। तो अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए। Thanks for watching. Have a nice day.